बाबूजी, मैं बिरहा गायक कलाकार रामजीत यादव गुरुजी डॉक्टर केशवराम को प्रणाम करता हूं और बड़े भैया रईस अहमद जी का आभार प्रकट करते हुए पैशन रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से अपनी पूरी ग्रुप के साथ एक बिरहा प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका नाम है राधा का जन्म। बाबूजी, राधा बरसाने में कैसे पैदा हुई, इसके पहले क्या थी, आइए बिरहा के माध्यम से आप लोगों को बताता हूं। तो कहना है, आगे राधे पीछे श्याम, कि तुइनों मिलके सुंदर नाम, राधा कैसे पैदा भई बिरजी के धाम। राधा का जन्म बाबूजी बरसाने में कैसे हुआ, कव्वाली का टुकड़ा लगा। अरे खुद भी वो परेशान है, कि खुद भी वो परेशान है, हर मुझको आज माने में, खुद भी वो आजमाने में बस्तियां, हो बस्तियां, हाँ बस्तियां जली सारी, मेरा घर जलाने में बस्तियां जली बाबूजी। कहा गया है कि दुनिया में सब कुछ करना पर मोहब्बत कभी नहीं करना, क्योंकि इसकी दवाई नहीं मिलती है। ये तो ओरिजिनल नमूना रहा, लेकिन देखा कभी जी बिरहा के लाइन में का देते हैं कि गौर से सभी सुनिए, गौर से सभी सुनिए, हर त्रेता की कहानी है,
कहानी है, त्रेता की कहानी है, त्रेता की कहानी है। अलग अलग हो, अलग अलग हाँ, अलग अलग वैसे करूं। जैसे दूध पानी है, अलग अलग बाबूजी, राधा के जन्म के पीछे क्या राज छुपा है? आइए अतीत के कुछ पन्ने पलटते हैं और त्रेता युग में चलते हैं। तो कहना है, अरे चारों पुरियों में अयोध्या की बात न्यारी है, चारों पुरियों में अयोध्या की बात न्यारी है, चारों पुरियों में अयोध्या की बात न्यारी है। तत् के कारण कितने बन गए भिखारी है, कितने बन गए भिखारी है, सत के कारण कितने बन गए भिखारी है। प्रजा के ताना से प्रभु सिया जी को छोड़ दिए, अरे अपने ही पतन से वो अपना ही मुंह मोड़ लिए, अपने ही गुरु वशिष्ठ जी को सभा में बुलाए हैं, गुरु वशिष्ठ जी को सभा में बुलाए हैं, गुरु वशिष्ठ जी को सभा में बुलाए हैं। अरे गुरु वशिष्ठ जी को सभा में बुलाए हैं, और बात दिल में बसी जो हाल यूं सुनाए हैं, बात जी। भगवान रामचंद्र जब 14 वर्ष के वनवास से वापस लौटे तो महाबली रावण को मारकर आए थे, और उनके मन में एक बात आ गई। उस अयोध्या नगरी के राम, जहाँ की चर्चा बहुत दूर दूर तक है, चारों धामों में सबसे उत्तम धाम माना गया है, बाबूजी सत्य नहीं छोड़ा गया जहाँ, उस नगरी की कहानी है। और एक दिन भगवान राम अपने मन में विचार करते हैं, मन में विचार करते हैं और एक सभा बैठाते हैं। सभा में गुरुजी वशिष्ठ जी को बुलाए और बाबूजी सभा लग गई। सभा लगने पर भगवान राम को वशिष्ठ जी ने कहा कि किस कारण से हमको बुलाए हो? तो भगवान राम क्या कह रहे हैं कि मुझसे बढ़ के इस जग में, कहा गुरुजी एक बात कहना चाहता हूँ, अरे मुझसे बढ़ के इस जग में कि दूजा कौन सानी है, मुझसे बढ़ के इस जग में दूजा कौन सानी है, मुझसे बढ़ के इस जग में दूजा कौन सानी है, मुझसे बढ़ के इस जग में। अरे मुझसे इस जग में दूजा कौन सानी है, दूजा कौन सानी है, दूजा कौन सानी है। अश्वमेध हो, अश्वमेध हाँ, अश्वमेध यज्ञ मैं करूं, दिल में मैंने ठानी है, अश्वमेध जी। जब गुरु जी के आदेश सुने तो राम कहे कि गुरु जी दोनों हाथ जोड़ के कि हम लंका में विजय प्राप्त करके आई महाबली रावण का मार के, हम अपन विजय पताका पूरे विश्व में फैला दिए, और गुरु जी हम अश्वमेध यज्ञ करे के चाहते हैं। और बाबूजी जब इतनी बतिया गुरु वशिष्ठ सुने तो का होत बा, तर्ज बदल गया मास्टर।
आए हाय हाय लागी बाट भोले से लगनिया हो लागी बाट भोले से लगनिया हो चरनिया तानी चू मिला चला गुरुजी का बाबूजी चेहरा उदास हो गया और जब चेहरा उदास हो गया कोई उत्तर नहीं दिए गुरुजी तो भगवान राम कहने लगे कि गुरुजी का हुआ गुरुजी ने कहा कि बहुत गलत हुआ ये अनुष्ठान तुम्हारा कभी पूरा नहीं हो सकता राम भगवान ने कहा कि गुरुजी क्यों नहीं भगवान राम की बात गुरु वशिष्ठ जी सुनते हैं तो मुरझाए हुए चेहरे से क्या कह रहे हैं गुरुवर बोले राम से बचनिया हो गुरुवर बोले राम से बचनिया हो हवनिया कैसे पूर हुई है तुम्हारी गुरुजी कहें ई कब्बो हो ना सकत भगवान राम कहें काहे ना गुरुजी हो सकत कहीं ई अश्वमेध यज्ञ में बाद में हवन हो तो पूर्णाहुति कराई जात है तब अश्वमेध यज्ञ सफल होत है और तोहार ई चीज हो ना सकत बा तो भगवान राम कहें कि काहे ना कहें इसलिए कि नारी के बिना यज्ञ रही है अधूरी नारी के बिना यज्ञ रही है छतरी राम तोहरो होई है नाही पूरी इच्छा श्री राम तोहरो होई नाही पूरी इच्छा श्री राम तोहरो होई नाही पूरी हारे उल्टे हाथी उल्टे हाथी तुम पे सारी दुनिया हो उल्टे हाथी तुम पे सारी दुनिया हो हवनिया कैसे पूर वही है तुम्हारी गुरुजी कहे कि ख्याल मन से निकाल दा जग हंसाई करा देबा जितने तोहार नाव भवा उतने बदनामी अरे तब तो प्रजा के ताना से सीता जी के त्याग कह दिया जब तक सीता जी का गठबंधन हुई के अश्वमेध यज्ञ के पूर्णाहुति न करावा जाए तब तक यज्ञ पूरा यह कारण से यज्ञ ना हो सकत बा और बाबूजी जब इतनी बात भगवान राम सुने तका भा अरे सुन के बचन राम गए मुरझाए सुन के बचन राम कनी पौआ पे गिरे भाराई गुरु कनी पौआ पे गिरे भाराई काहे अन्न छुअब पीअब ना हम पनिया हो अन्न छुअब पीअब ना हम पनिया हो हवनिया कैसे पूर होई है तुम्हारी बाबूजी इतनी बात गुरुजी के जब सुने भगवान रामचंद्र तो वही घोड़े पर गिर गए और कहे गुरुजी तो जनता यहाँ की रघुकुल के रीत सदा चली आई प्राण जाए बरु अगर हम अपने मन में अश्वमेध के अनुष्ठान कर लेन तभी या तो आज के बाद हम अन्न जल त्याग देते ही अपन प्राण त्याग देबे और ना ही तो हमार अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जे और बाबूजी भगवान राम के आंखों में आंसू हैं और देखिए रोके एक ठो बात गुरुजी से कहें और तेरी के भाव मस्त
ये बतिया भगवान राम कहता है, अरे राम दवाई हमारी व्याधि के करा। कहे गुरु जी दवाई हमारी व्याधि के करा, अरे किरुओ वही रामचंद्र जी नैनन नीर बहाई, दवाई हमारी व्याधि के करा। किरुओ वही रामचंद्र जी नैनन नीर बहाई, दवाई हमारी व्याधि के करा। बाबूजी भगवान राम रो रहे हैं और गुरुजी से कहें कि गुरुजी हमरे व्याधि के दवाई तू ही करा। और गुरुजी बाबूजी अपने मन में सोचत हैं मल्हार के भाव बतनी ऊपर से दे मास्टर। आए हाय हर रुवत दियखया राम चंद्र का गुरु वशिष्ठ मन कराए विचार, अरे नारी विनय पूर कराऊ आटा ना कौनो खेला, अरे गारा जजिमान रुआ जबदीना कर जजिमान रुआ जबदीना कर बपुरोहित पाधिकार। अरे गुरु वशिष्ठ अपनिया मन सुच मन मा आवाइक, अरे कहा उठाई रामचंद्र जी यज्ञ की ताई हुआ तया, अरे सुअनिया कया सीता बनवावा सुअनिया कया सीता बनवावा हियारा कौनो चतुर सोनार। बाबूजी भगवान राम जब रो रहे हैं तो गुरुजी सोचते हैं कि हमार पुरोहिति बेकार बा, अगर जजमान रोय देत बा और यहू सही बात बा कि बिना सीता के यज्ञो नहीं पूरी हो चाहत बा। और बाबूजी आखिरकार गुरु वशिष्ठ के मन में एक ठो बात आई गई और तुरंत कहें कि रामचंद्र जी उठा तुहार यज्ञ अब हो। अरे बाबू जी इतनी बतिया जब भगवान राम सुने तो उनके जीव में जीव हो गए, तड़पत मीन पर पानी मा वैसन भय भगवान, तड़पत मीन पर पानी मा वैसन भय भगवान। अरे चतुर सोनार जाई लैयावा की पवन पुत्र हनुमान हो, दवाई हमारी व्याधि कई करा। अरे की कहिदा चल सोने कैसी दादी बनाई, दवाई हमारी व्याधि कई करा। कहिदा चल सोने कैसी दादी बनाई, दवाई हमारी व्याधि कई करा। कहिदा चल सोने कैसी दादी बनाई, दवाई हमारी व्याधि।
गुरु वशिष्ठ कहे कि सोने के सीता बनवावा वही के साथे तुहार यज्ञ पूरी हुई। अरे बाबूजी जैसे पानी में मछली डाल दिया तो जीव मजीव हो जाए, आज भगवान राम उतने खुश हो गए। और तुरंत बजरंग बली का बोलाए के आदेश दे कि जाए के चतुर सोनार तू ही लेके आवा। और बाबूजी बजरंगो बली तो हरदम ये सोचते रहे कि भगवान राम हमका कोनो काम दे तो बड़ा अच्छा लागत रहा। और देखा बजरंग बली कैसे सोनार के तलाश करता है, तर्ज बदल गए मास्टर, तर्ज वही लगा। कौनो आदमी के गौना आई और मेहररुआ आई बा और सुबेरवा देखा का होत बा, उ मेहररुआ अपने मर्दा से कहत बा, अरे रतिया से जिया पे हो कि रतिया से जिया पे गईला हमसे जीत पिया खाए के सिला जीत पिया न। रतिया से जिया पे गईला हमसे जीत पिया खाए के सिला जीत पिया न। रतिया से जिया पे हाय से गया जीत पिया खाए के सिला जीत पिया न। अरे यह ओरिजिनल बा, लेकिन बजरंगबली का करता है कि प्रभु के बात सुन के, प्रभु के बात सुन के हनुमत तैयार भए अवध की बाजार गए ना। प्रभु के बात सुन के हनुमत तैयार भए अवध की बाजार गए ना। प्रभु के बात सुन के हनुमत तैयार भए अवध की बाजार गए ना। बाबूजी बजरंगबली आदेश पाई के और तुरंत अयोध्या नगरी में चतुर सोनार ढूंढता है। और बाबूजी हेरत हेरत चतुर सोनार आखिरकार में पहुँचिन गए और वही सोनार से कहता है कि चला तुरत सोनार प्रभु राम के द्वार, प्रभु राम के द्वार, प्रभु राम के, ए प्रभु राम के द्वार, प्रभु राम के द्वार। सोनार कहत बा कौने बरे, बजरंग बली कहीं इतना जान लिया तोहरे चले बिना, तोहरे चले बिना प्रभु कई नकार भये अवध की बाजार गए ना। तोहरे चले बिना प्रभु कई नकार भये अवध की बाजार गए ना। तोहरे चले बिना प्रभु कई नकार भये अवध की बाजार गए ना। बाजार गए ना, बाजार गए ना, बाजार गए ना, बाजार गए ना। तोहरे चले बिना प्रभु कई नकार भये अवध की बाजार गए ना। तोहरे चले बिना प्रभु कई नकार भये अवध की बाजार गए ना। बजरंग बली कहें के का कुल बटोरा और चला भगवान राम खिया, कहीं कौने कारण से, अरे कहीं तू इतना सिर्फ जान लिया कि तोहरे चले बिना आज भगवान राम के काम ना होता है। और बाबूजी देखा वही सुनार के भेष के धरे बा, प्रभु के दर्शन करई बदे ब्रह्मा खुद बने सुनार, प्रभु के दर्शन करई बदे ब्रह्मा खुद बने सुनार। अरे तरस कीन जब प्रभु कई ब्रह्मा की झूमे बारंबार हो, दवाई हमारी व्याधि के करा, अरे की कमवा कमने यह है प्रभु हमका दिया बताई, दवाई हमारी व्याधि के करा, कमवा कमने यह है प्रभु हमका दिया। बाबूजी भगवान राम के दर्शन के लिए देखिए ब्रह्मा जी स्वयं सोनार बने हैं, और जब आई के भगवान राम के दर्शन के लिए तो मन गदगद हो गए, और जो मन गदगद हो गए तो कहें कि प्रभु आदेश करा कौन काम हमसे बा। और प्रभु जी मन में सोचते हैं काजनी मूर्ति आई बना सके कि ना, लेकिन एक तर्ज बा सोनार कैसे पूछता है, अरे कि दुश्मन मिले सवेरे, कि दुश्मन मिले सवेरे मगर मतल भी यार ना मिले, दुश्मन मिले सवेरे मगर मतल भी बाबूजी ब्रह्मा रूपी सुनार बोलते हैं
कि कमवा जल्द बतावा चलब घरा की वार। ए प्रभु कमवा जल्द बतावा अरे कमवा जल्द बतावा चलब घरा की वारी। ए प्रभु गहकी हरदम छेके गहकी हरदम छेके राहत मोर द्वार। ए प्रभु गहकी हरदम छेके राहत मोर द्वार। ए प्रभु गहकी हरदम छेके राहत मोर द्वार। ए प्रभु ब्रह्मा रूपी सुनार बाबूजी पूछत हैं अरे कवन जरूरत हमसे पड़ गई साफ साफ बतलावा। गहना कवन सचाही गहना कवन सचाही साफ कराई जहार। ए प्रभु गहना कवन सचाही साफ कराई जहार। अरे बाप तमाम गहना के नाम सोनार गिनावत बा। अरे नथुनी कर धनिया की हथुली हमें जल्द बतलावा। सब जाया की चाही सब जाया की चाही तुमका झोपदार। ये प्रभु सब जाया की चाही तुमका बाबूजी। तमाम गहना के नाम नथुनी कर धन हसली हसिया अबेल तमाम पता नहीं काका गिनावत चला गए। लेकिन भगवान राम बोले ना लास्ट में बोलत है सुना अरे मूरत सूरत या की चाही उहो बात बतलावा। हाजिर सियावा में हाजिर सियावा हम बाटन ताबेदार। ये प्रभु हाजिर सियावा में हम बाटन ताबेदार। ये प्रभु हाजिर सियावा में हम बाटन ताबेदार। ये प्रभु बाबूजी जब सुनार भाई वो गहना के नाम गिनाओ चला गा तो भगवान राम ना बोले सुनार कहिस की मूरत सूरत चाहत हो तो हो बतावा जो ने कहबा हम वही बना के दे। अरे बाप रे बाप भगवान राम के चेहरा एकदम खिल उठा बाबूजी दिल बाग बाग हो गया और देखा सोनार से तब राम का बोलता पापट की भाव बाबू अरे बड़े भाग्य से गया तू अरवाया ही हमारे दादा हो। बड़े भाग्य से गया तू अरवा अरे आई हमारे दादा हो। और सोने कह तू सीता दिया बनाई हमारे दादा हो। सोने कह तू सीता दिया बनाई हमारे दादा हो। सोने कह तू सीता दिया बनाई हमारे दादा हो। दादा हमारे दादा हमारे दादा हमारे दादा हमारे दादा हो। सोने कह तू सीता दिया बनाई हमारे दादा हो। सोने कह तू सीता दिया बनाई हमारे दादा हो। कहे कि सोने के सीता हमका बना दिया। अरे बाबूजी सोनार कहे कि प्रभु सोने के सीता का कौन जरूरत पड़ी है कहीं बहुत बड़ी जरूरत कहीं कौन कहीं करताई पड़ी जरूरत भारी। और गुरुवर कहे कि पूर न हुई है अगर जी अति बानारी। कहा मृत्यु लुअक माजी अति बमोर लुगाई हमारे दादा हो। मृत्यु लुअक माजी अति बमोर अरे लुगाई हमारे दादा हो। और यही कारण से सीता दिया बनाई हमारे दादा हो। यही कारण से सीता दिया बनाई हमारे दादा हो। यही कारण से सीता दिया बनाई हमारे दादा हो। कहे कि ठीक बा प्रभु हम तो आपके सेवा में आई हमका कोनो कमरा बता दीन जाए। तुरंत बाबूजी भगवान राम बजरंग बली का बोलाए कि इनका उचित स्थान दिया जाए उस समान दिया जाए। बाबूजी मूर्ति गढ़ने में आज ब्रह्मा रूपी सोनार लग गए हैं। और कुछ दिन के बाद बाबूजी मूर्ति बनाए के भगवान राम के सामने ब्रह्मा रूपी सोनार
पेश करता है तका होतबा। मूरत देखिन राम चंद्र तब बहय नयन जलधार हो, सीता रूप मही सोने कई सीता भइन तैयार। अरे पछुआ उल्टा बहलाग पुरवाई हमरे दादा हो, पछुआ उल्टा बहलाग अरे पुरवाई हमरे दादा हो। उठे पीरिय प्रभु के सहन जाई हमरे दादा हो, उठे पीरिय प्रभु के सहन जाई हमरे दादा हो। जी भगवान राम जब सोने के सीता हु बहु देखत हैं तब बिल्कुल एकदम पीड़ा हो गई हृदय में। भगवान राम के बाबूजी मानो आंसू भर 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 गिर रहे हैं, मानो कि पछुआ बयार उनको पुरवाई नजर आ रही है। और आगे होता क्या है कि गुरु वशिष्ठ यज्ञ पूर कराए पाए गठिया जोरी। जब सोने का सीता तैयार हो गई तो गुरु वशिष्ठ यज्ञ पूर कराए पाए गठिया जोरी। अरे गोद उठाए रामचंद्र तब इस सोने वाली छोरी हो, दवाई हमारी ब्याध कई करा। तो सोचे यनका ले चल के अब सरजू मा सरवाई, दवाई हमारी ब्याध कई करा। यनका ले चल के अब सरजू मा सरवाई। बाबूजी वशिष्ठ गुरु पाए पे सोने के सीता बैठा के गठबंधन कराई के यज्ञ पूरा कराए दे हैं। जो यज्ञ पूरा कराए दे हैं तो भगवान राम सोचे कि सोने के सीता का देख के हमारे हृदय का बार बार पीड़ा होत रही, ऐसे बढ़िया बाल चल के इनका सरजू जी माँ। और बाबूजी यह मन में बात लेके भगवान राम देखा मूर्ति का गोद में उठा ले और जाए के कमर भरे पानी में बाबूजी जब पहुंच गए तो सोने का मूर्ति जैसे प्रवाहित करे तैसे बाबूजी मूर्तियां बोल पड़ी। कहले कि ठारा पिया। अरे बाबूजी भगवान राम आवाक हुई लेकिन तर्ज बदल गया मास्टर। आए हाय देखा ही फैशन के जुगमा काव कैसे है कहना बा। अरे करियावा करियावा खुअजत गुवर में हरारू, करियावा खुअजत गुवर में हरारू, करियावा खुअजत गुवर में हरारू। हर फैशन में बाटई फैशन में बाटई एकदम उतारू, करियावा खुअजत गुवर में लेकिन बाबूजी सोने के सीता का बोलती है कि बलम हो कहीं ए पिया कि बड़ा जुलूम धावे चलता है का करे चलता है कहीं का कहीं बलम हो हमसे मुहाजिनी मोड़ा, बलम हो। अरे ना हम का समझा तू बलम हो हमसे मुहाजिनी मोरा। भगवान राम कहें कि देखा भाई तुमका यही इतने के ताए हम बनवाए रहे और तुमका अब जाय का
अरे सोने के सीता बोली कि तो तहार पुरान आदतिया, अरे कहीं निकाव कहतिया, कहीं सुना, अरे तोहर उतौ राजा पुरान बाय दतिया, तोहर उतौ राजा पुरान बाय दतिया, तोहर उतौ राजा पुरान बाय दतिया, मतलब के ताई बनाया यवरतिया, मतलब के का समझा था का सब का समझा था यकदम नी गोड़ा बलम हो हमसे मुहाजनी मोड़ा बलम हो कहीं नहीं तो तुहार पुरान आदत बा तू मतलब के ताई औरत बनाया है लेकिन का एकदम सबका निगोड़े भगोड़ा न समझ लिया अरे भगवान राम कहने कैसे कहतिया कहन सुना तुहार हम सारी बतिया जानी थी 14 वर्ष के वनवास जब भय है तो अगिया मायापन समुपी कनी नारी अगिया मायापन समुपी कनी नारी अगिया मायापन समुपी कनी नारी अरे माया कई बनाया तू जनक दुलारी हे माया कई बनाया तू जनक दुलारी माया से बनाया तू जनक दुलारी अरे लंका से लौटा अरे लंका से लौटा तू रतनाता तुअड़ा बलम हो हमसे सोने के सीता कही तुहार हम सब जानी थी वनवास जात रहा तो अग्नि देवता का अपन सीता दे दिया और माया के सीता लेके चला गया और जब रावण सीता जी के हरण के लिए तो माया के सीता लेके गा और युद्ध कहके जब तू माया के सीता वापस लेके आया अग्नि परीक्षा भय तो माया के सीता जलाई के अपन असली सीता अग्नि देवता से वापस ले लिया लेकिन एक बात जान लिया वह मा कई हम राजा हुई ना नारी वह मा कई हम राजा हुई ना नारी वह मा कई हम राजा हुई ना नारी अरे तथवा ना छुअड़ लागल पीती भारी तथवा ना छुअड़ लागल पीती भारी तथवा ना छुअड़ लागल पीती भारी अरे मारा कटारी चाहे बलम हो हमसे मुहाजनी मोड़ा बलम हो हमसे मुहाजनी मोड़ा देखिए सोने के सीता जी के आंसू आ गए और कहीं सुना ओहमा के हमका नारी ना समझा हमका तुमसे असली मोहब्बत होई गबा असली प्रेम होई गबा तुमका हम साथ छोड़ के ना जाबे चाहे तू हमें काट डारा चाहे मारी डारा लेकिन इसे न करा और बाबूजी इतना प्यार देख के भगवान राम का हृदय पिघल गया अरे मूरत रुवई रुवई सथवा मा राम हो मूरत रुवई रुवई सथवा मा राम हो तू बन पूरा था हम हुआ घन श्याम हो कहिन प्रीत कनी दुनिया मा हो प्रीत कनी दुनिया मा अमर होए जोड़ा अबलम हो हमसे मुहाजनी मोड़ा
बाबूजी आखिरकार में भगवान राम बेबस हो गए और कहे कि सुना अब तो यह जुगमा हो ना सकित हम तुहार कब भोना हो सकित लेकिन चला अगले जुगमा तू राधा होई के जन्मबू आ हम कृष्ण होई के जन्म जा हमार वादा बा कि इतना प्रेम हमसे तुमसे होए कि दुनिया भरे मां हमार तोहर जोड़ा अमर होई जे। और बाबूजी यही बात के साथे मूर्ति प्रवाहित कह दे तो कबीर जी ने अंतिम में अंतिम भाव दिया कहना है यादव कुल ब्रिज बरसाने माँ जन्मी होई के राधा यादव कुल ब्रिज बरसाने माँ जन्मी होई के राधा अरे केशव राम कहई दियला पे की ध्यान दई दिया कांधा हो दवाई हमारी व्याधि कई करा अरे राम जीत के शारद चंदन दिया लगाई दवाई हमारी व्याधि कई करा।